गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, दैट्स गुड। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3। 5.3 प्रश्नावली का नाम है प्रायिकता। अब इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ इस शब्द हैं जिनका आप अंग्रेजी में स्पेलिंग और मीनिंग याद करना। विद्यार्थियों, ये बड़े काम आएंगे आपके, जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, साथ ही साथ अंग्रेजी विषय में भी आपका फायदा ही होगा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो एक एक करके मैंने ये लिखे हैं और मैं वहाँ भी लिखा हुआ है आपके सामने पूरा, और मैं यहाँ से लिखा हुआ ये पढ़ के बोल रहा हूँ। प्रायिकता, प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी स्पेलिंग ध्यान, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को बोलते हैं। यदृच मीन्स रेंडम, यदृच मीन्स रेंडम, RANDOM। प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स। चौथा संभावित मीन्स लाइकली, जिसकी संभावना है वो हो सकता है क्या, लाइकली। फिर पांच नंबर में समसंभावित, मतलब इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली मतलब बराबर बराबर संभावना है, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आ जाएगा घटना, जिसको इवेंट बोलते हैं, EVENT, बहुत सारे आधे तो आपको याद ही होंगे। परिणाम आउटकम बोलते हैं, कुछ लोग इसको रिजल्ट बोलते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में परिणाम को हम आउटकम बोलेंगे इंग्लिश में। संयोग में इस चांस, संयोग में चांस। देन सिक्का, COIN, कॉइन में सिक्का हो गया। उसके बाद टॉस, POSS, टॉस मीन्स उछाला, ये सिक्के के लिए आया था, सिक्का टॉस करते तब। फिर चित, हेड, HEAD, हेड मीन्स चित, जिस सिक्के में जो अशोक स्तंभ बना होता है उसको हेड बोलते हैं। और पट को बोलते हैं टेल, जिसमें वो एक दो या पांच जो भी लिखा होता है संख्या, सिक्के का मूल्य लिखा होता है उसको बोलते हैं पट, इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेल, TAIL। पासा डाई, पासा डाई होता है, मामा शकुनी ने महाभारत में फेंका था। बच्चों पासा क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। पासा, पासा होता क्या है, एक मिनट, एक ऐसी चीज होती है, इसको मान सकते हैं, जिसमें एक डब्बा मान लो, एक बॉक्स मान लो, इसकी कितनी सतह है, 1, 2, 3, 4 बच्चों, फिर 5, 6, और सभी सतह एक वर्गाकार होती है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से बराबर होती है। इसके ऊपर संख्या लिखी होती है 1, फिर 2, 3 दिख रहा है आपको, 3 इधर, 4 संख्या लिखी, देखो 4, फिर इधर लिख दिया 5 दिख रहा है, ये 5 हो गया, और इस तरफ लिखा 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सतह इसकी होती है। और इसको जब हम उछालेंगे तो 1, 2, 3, 4 पता नहीं कौन सा ऊपर कौन सा नीचे रहेगा, ये ऊपर आ गया तो हम बोलेंगे 6 आ गया है ना, और ऐसे आ गया तो ऊपर क्या नंबर है ना, देख लेंगे ऊपर क्या, 4, हम बोलेंगे 4 आ गया। तो 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या इसमें आ सकती है, पासा होता, पासा, ठीक है ना। पासे को बोलते हैं डाई, DIE। सांप सीढ़ी में जो आप खेलते होंगे वो लूडो वाला गेम, उसमें भी पासा होता है। और डाई एक वचन है और इसका बहुवचन डाइस, DICE। उसके बाद आ जाएगा त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड क्या होता है, सेक्टर, सेक्टर होता, होता क्या त्रिज्या, मान लो एक ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 2 त्रिज्याएं, ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं त्रिज्यीय खंड, ये है त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड ऐसे बोलूंगा, त्रिज्यीय खंड बच्चों ये ध्यान रखना, त्रिज्यीय खंड 2 त्रिज्याओं और 1 चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग। तो यहां पे मैं कई सारे बना दू, इसमें कितने त्रिज्यीय खंड, 1, 2, 3, 4 चार त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड समझ आ गया। उसके बाद में अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो वो प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है बच्चों, और 11 भी है, इनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, किसी के पहाड़े में वो नहीं आते।
फिर भविष्यवाणी FORECAST फोरकास्ट में भविष्यवाणी होगी। बच्चों ये मीनिंग आप याद करना, वीडियो को पॉज करके आपकी डायरी में कहीं लिख लेना, याद करना, जिंदगी में बार बार आपके काम आएंगे। बढ़िया, समझ में आ गया? शाबाश। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ और चीजों को समझ लेते हैं, कुछ इसमें शब्द है उनका मतलब समझ लेते हैं। बच्चों यदृच प्रयोग मतलब जिनके परिणामों की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, या फिर बोलेंगे बिना पक्षपात वाले प्रयोग, इसको बोल दो यदृच प्रयोग। बच्चों जैसे ये आपके सामने एक पासा पड़ा है, इसको मैं ऐसे ठोकर मार के उछालूं या हाथ से उछालूं, तो अब परिणामों की आप कुछ भी नहीं कह सकते कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कौन सा इसमें अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी। पैसे को बोलते हैं यदृच प्रयोग, परिणाम के बारे में। या एक सिक्का उछाल दिया तो पता नहीं यार, हेड आएगा, टेल आएगा, यानी चित्त आएगा, पट आएगा, हमें नहीं पता। ऐसे प्रयोगों को यदृच प्रयोग बोलते हैं। समसंभावित प्रयोग, बच्चों समसंभावित का मतलब समान संभावनाएं, जिनके परिणामों का आने की संभावना बराबर बराबर होती है। मतलब एक सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो भी समसंभावित प्रयोग है, संभावना बराबर होनी चाहिए। आपके कल स्कूल जाने की संभावना समसंभावित है या नहीं है? नहीं, ये समसंभावित मतलब स्कूल जाने की या नहीं जाने की, दोनों संभावना बराबर नहीं, क्योंकि आप ज़्यादातर स्कूल जाते हैं, हफ्ते में 6 दिन आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने या ना जाने के प्रयोग को सम संभावित नहीं बोलते। हेड या टेल आने की, उनको हम बोलते हैं सम संभावित। या एक पासा फेंका है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकते हैं, सभी की संभावनाएं बराबर है। ओके, एक तो ये हो गया। अब प्रायिकता का सूत्र है, हर प्रश्न में ये सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, इंग्लिश में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये मैं प्रश्न कराऊंगा तब फिर समझाऊंगा। अनुकूल होता है क्या, जो प्रश्न में पूछा गया वही अनुकूल होता है। घटना किसी प्रयोग के एक या ज्यादा परिणामों को, एक या इसमें लिख दिया अधिक परिणामों, एक या अधिक परिणामों को, ठीक है, घटना कहते हैं। जैसे एक आपने पासा फेंक दिया, अब आपसे पूछा इस पासे में सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो सम संख्या को पहले घटना को, ई फॉर इवेंट, अभी भी आपको पढ़ाया सम संख्या का ई है 2, 4, 6, ठीक है, तो ये घटना है, 2, 4 और 6 आने को बोलेंगे घटना, ठीक है। तो ये सारी चीजें सूत्र है, अभी हम शुरू करते हैं प्रश्नावली। बच्चों इसको लिख लो आराम से, ये एक से ज्यादा परिणाम हो गया, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, नोट करते रहो अपनी नोटबुक में। ये रहा पहला सवाल आपके सामने, इधर स्क्रीन पर मैंने लिख रखा है और यहां पे भी मैं पढ़ रहा हूं। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं, एक त्रिज्या खंड दिया हुआ है यहां पर, उन्हें लिखिए AABCD, उसमें लिखा हुआ है। तो पहिए को, इस पहिए को अगर हम घुमाएं तो क्या क्या आ सकता है, आप ये देखिएगा, तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, तो आपका ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या डी आ सकता है। इसमें एक बच्चों को ध्यान रखना, ए को 2 बार मत लिखना, ये इसका उत्तर है। ए बी सी या डी में से कुछ भी आ सकता है। भाग बी में 2 सिक्कों को एक साथ जब आप उछालेंगे, मान लो एक 1 रुपये का सिक्का, एक 2 रुपये का सिक्का, तो सिक्कों पर यही होता है कि भाई या तो हेड आए या टेल आए। अब 1 रुपये वाले पे हो सकता है, 1 रुपये वाले पे हेड आए तो 2 वाले पे भी हेड आ सकता है। एच फॉर हेड, एच का मतलब हेड, और एच का मतलब होगा बच्चों हेड, HEAD, और टी का मतलब है टी एल, TAIL। तो 1 रुपये वाले पे हेड और दूसरे 2 रुपये वाले पे हेड आ सकता है, या पहले वाले पे हेड तो दूसरे वाले पे टी आ सकता है टेल, या पहले वाले पर टेल तो दूसरे वाले पे हेड आ सकता है,
या दोनों पर तेल आ सकता है, ये हमारी परिणाम है दो सिक्कों को जब एक बार उछालेंगे तो। ठीक है, ध्यान रखें, एक सिक्के को जब एक बार उछालेंगे तो एच कोमा टी कुछ भी आ सकता है, ये तो अभी पूछा नहीं है। एक सिक्के को जब एक बार उछालेंगे तो या तो एच आएगा या टी आएगा, आपको तो इतना ही पूछा है, इसको लिख लो, नोट कर लो ये वाला। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा सवाल, एक पासे को फेंका जाता है। बच्चों मैंने बताया पासे में क्या क्या होता है, पासे में एक दो तीन चार पांच या छह में से कुछ भी आ सकता है। तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ए में एक अभाज्य संख्या, इनमें से अभाज्य कौन कौन सी है, दो तीन पांच, तो ये हो जाएगा दो तीन पांच अभाज्य संख्या, ये किसी इन में किसी का भाग नहीं जाता, खुद के अलावा और एक के अलावा अभाज्य संख्या हो गई। एक अभाज्य संख्या नहीं, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, एक चार छह, तो एक चार छह ये अभाज्य संख्या नहीं है, बी का उत्तर ये हो गया, बहुत बड़ी। फिर पांच से बड़ी संख्या को, इनमें से पांच से बड़ा कौन है रे, सभी को पता छह है ना। फिर पांच से बड़ी जो नहीं है, पांच से बड़ा नहीं है, एक दो तीन चार, क्या ये सही है, नहीं, पांच से बड़ा नहीं है, पांच भी तो खुद है ना, पांच पांच से बड़ा थोड़ा ही होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और एक चीज मैं और बता दूं, ये प्रायिकता की जो प्रश्नावली है आपके, तो ये 5.3 में एक प्रश्नावली है, बाकी क्लास 9th 10th 11th 12th सभी कक्षाओं में ये प्रायिकता का पाठ है। और उसके बाद IIT JEE बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, तो उसमें से उन परीक्षाओं में एक या दो सवाल इस प्रायिकता के पाठ में से आता है बच्चों। तो इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, इसमें गणना ज्यादा नहीं है, जोड़ बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लिख लो, इसको नोट कर लो, लिख लो, वीडियो को पॉज करके। आ गया सवाल नंबर 3। तीसरे सवाल में ज्ञात कीजिए, प्रश्न 1 ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता, मैंने ये सूचक वापस बना दिया, ये त्रिज्यीय खंड वापस बना दिया, डी पर रुकने की क्या प्रायिकता है। तो सभी में प्रायिकता 3 भाग है, तीनों में सूत्र आप हर बार लिखेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल कितना है, 1 2 3 4 5, कुल तो 5 हो गए बच्चों। अनुकूल डी पर, तो डी कितना, एक ही डी है ना, डी जो पूछा गया वही अनुकूल है रे, तो डी कितना, डी तो एक ही, 1/5 इसका उत्तर होगा बच्चों। अब अगले में एक अच्छी प्रकार से फैटी एक 52 पत्तों की ताश है, उनमें 52 पत्ते होते हैं, जिनमें 1 के 4 होते हैं, 4 राजा होते हैं, 4 रानियां होती है, तो उसमें से एक 1 आने की क्या प्रायिकता है बच्चों। ताश के पत्तों में कुल पत्ते होते हैं 52, और अनुकूल में पूछा गया 1 की संख्या होती है 4, जब आप काटेंगे 4 से कटेगा, 1 × 4 = 13 × 4 = 1/13 इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। ये हो गया। और इसमें भाग सी में पूछा गया है एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता, यह आकृति है, इसमें R means red और G means green है, तो इसमें कुल कितने सेव है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल तो 7 है, और अनुकूल में इस पूछे क्या, लाल सेव पूछे है ना, तो लाल सेवों की संख्या कितनी है, लाल कितने, R R R R, तो टोटल 4 है, लाल तो 4 है ना, 1 2 3 4 4/7, तो ये इसके उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लिख लो अपनी नोटबुक में बच्चों, नोट कर लो, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अनुकूल में जो पूछा गया है और कुल तो जो टोटल आप गिन सकते हैं, लिख लो। अब आ गया सवाल नंबर 4। 10 अलग अलग पर्चियों पर या पृथक पर्चियों पर
एक से दस तक संख्या लिखी हुई है, मतलब एक पर्ची पे एक, दूसरी पे दो, इस तरह से अलग अलग पर्चियां एक जैसी पर्चियां है, एक से लेकर दस तक सभी के ऊपर संख्या लिख दी गई है। ओके, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। सभी पर्चियों को आप एक डब्बे में डाल दिया, मान लो ये डब्बा है, इस डब्बे में सभी पर्चियों को अलग अलग से डाल दिया, एक के अंदर एक, सारी पर्चियों को इसके अंदर डाल दिया इसमें, और डब्बे में डाल करके डब्बा बंद कर दिया, फिर ऐसे सभी पर्चियों को मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया बच्चों। ठीक, अब आपसे सवाल है, फिर उसमें से एक इस डब्बे में से हाथ डाल के एक पर्ची बिना देखे निकालते, ऐसे क्या लिखा उसमें, बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है ऐसे हाथ डाल के। अब वो पर्ची एक से दस तक कोई भी पर्ची आ सकती है, एक दो तीन चार पांच, एक तरह की लॉटरी है बच्चों। अब अलग अलग सवाल, पहला भाग ये पूछा गया, उसमें स्क्रीन पे देखे पढ़ सकते हैं आप, संख्या छह प्राप्त करना, तो पूरे में संख्या एक ही तो है। सभी प्रश्नों में सभी भागों में आप ये सूत्र डालेंगे, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इवेंट को ई बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको ऐसे सूत्र ऐसे भी लिखते हैं पीई, पीई बराबर इसका उत्तर छह एक बार है। अच्छा, सभी में दस से भाग देना, सभी में बटा दस करना, क्योंकि कुल परिणाम दस है ना, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, सभी में बटा दस कर देना, मैं पहले ही लिख देता हूं बटा दस, कुल परिणाम दस। पहले भाग में संख्या छह प्राप्त करना, यानी एक ही छक्का इसके अंदर, तो छह तो एक ही है ना, इसलिए इसका उत्तर एक बटा दस आ जाएगा, ये एक बटा दस इसका उत्तर है। छह से छोटी संख्या, छह से ये बटा दस नहीं लेंगे, बाद में काम करेंगे इसको, ठीक है। छह से छोटी कौन से, एक दो तीन चार पांच, पांच है तो कुल कितनी हुई, तो पीई बटा दस है कितनी, एक दो तीन चार पांच, अनुकूल संख्या पांच है, काटा पांच है, एक बटा दो हमारा उत्तर आ गया। इसी प्रकार छह से बड़ी संख्या कौन है, ये लो ये वाली सात, छह, छह से बड़ी सात आठ नौ दस, कुल कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी हो गई, एक दो तीन चार, चार बटा दस, दो से कटता है तो दो बटा पांच हमारा उत्तर आ गया बच्चों। एक अंक की संख्या कौन है, ये एक अंक की संख्या कितनी है रे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, टोटल नौ हो गई, इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हमारी अनुकूल संख्या नौ, कुल संख्या दस, ये हमारा उत्तर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके सूत्र जरूर लिखना है, लिखो 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 लो, जल्दी करो। पांचवा सवाल आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, यदि आपके पास स्क्रीन पर देखिए तीन हरे एक नीला और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक काम करते हैं, मैं या तो पहिया बना दो, अदरवाइज मैं लिखता हूं, हरे को जी लिख दे, तो उसमें जी जी जी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और एक नीला, नीले को ब्लू बोलते हैं, ब्लू, बी फॉर ब्लू, और लाल रंग का एक है, आर हो गया। अब आराम से हम गिन सकते हैं यहां से बच्चों, कुल एक दो तीन चार पांच है। पहले भाग में, पहला भाग ए कर दो, बी कर दो, कुछ भी कर दो, क्या लिखा, एक घूमने पर एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, हरा 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 कितना, तीन है ना, हरे कितने, हरे रंग वाले तीन है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता तीन बट्टा कुल कितने हमारे पास, कुल पांच है, तीन बट्टा पांच हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों। हरे तीन है, जी जी जी, हरे तीन। अब अगला बोला है, ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, जो नीला नहीं हो, जो नीला नहीं हो, ब्लू नहीं हो, जो नीला नहीं है, मतलब नीला नहीं है, नीला नहीं है, वो ऐसे कितने है, नीला नहीं है, वो है कितने, तीन प्लस एक, यानी तीन प्लस एक चार है ना, कौन है, हरा प्लस लाल, हरा प्लस लाल होगा, ये ध्यान रखना, हरा प्लस लाल, ये
तो हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रायिकता ई फॉर इवेंट घटना 4/5 हो गया। ये ध्यान, नीला नहीं है, जो नीला नहीं है तो हरा और लाल, ये 4/5 उत्तर हमारा बच्चों। ठीक है, उत्तर लिख लो, बड़ा काम का सवाल लिखो इसको। सवाल नंबर 6, इसमें बोला प्रश्न दो मतलब मैं वापस मैंने लिख दिया यहां पे, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को एक बार जब फेंकते तो सारे परिणाम क्या होते हैं बच्चों? 1 आ सकता 2 आ सकता 3 4 5। अभी आपको मैंने पासा दिखाया, ये रहा पासा आपके सामने बच्चों, पासा नीचे रखा मैंने, दिस इज डाई, ये लिखा 1 से लेके 6 तक, इसमें 4 उत्तर नंबर लिखा हुआ, 1 लिखा 2 लिखा 3, अभी आपको दिखाया। तो सारे परिणाम 1 2 3 4 5 6 और उसके ऊपर कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक, अब हर बार सूत्र तो ये डालेंगे, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं पी ई, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी किसी घटना की प्रायिकता भी लिख सकते हैं। पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बच्चों, ये मैं वहां पर लिख देता हूं सारा अभाज्य संख्या वगैरह वगैरह, यहां पे आप अनुकूल परिणाम लिखिए। एक अभाज्य संख्या प्रश्न नंबर 2 में आपने क्या था, अभाज्य संख्या 2 3 5, अभी भी आपने क्या था, ज्यादा नहीं करूं, अभाज्य संख्या नहीं है 1 4 6 हो गया, 5 से बड़ी वो संख्या 6 एक ही है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है 1 2 3 4 5। अब सभी में आप सूत्र डालना तो हमारा पीई हो जाएगा, इसलिए एक निशान है प्रोबेबिलिटी, ये अनुकूल कुल तो 6 करेंगे, कुल तो सभी में 6 करेंगे, पीई बट्टा 6 कर देंगे हम लोग, और इसमें भी पीई हमारा बट्टा 6 करेंगे, पीई हमारा ये भी बट्टा 6 हो जाएगा, ये कुल परिणाम तो हर बार 6 हमारा। अब बाजी संख्या कितनी, 1 2 3, तो 3/6 यानी काटा 3 से उत्तर आ गया 1/2। अब बाज संख्या नहीं है वो भी 1 2 3 अनुकूल, जो देखो जो पूछा गया वो अनुकूल है, तो ये 3 हो गया, 3/6 काटा तो ये भी 1/2 आ गया। 6 तो एक ही है ना, इसको 6/6 मत करना, ये है कितने गिनती में जैसे 1 2 3, ये भी एक ही है ना, तो 1/6 हमारा ये उत्तर और कटेगा किसी से भी नहीं। ये कितने 1 2 3 4 5, तो 5/6 हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों इसको आप नोट कर लो, ये आपकी प्रश्नावली 5.3 थी और पूरा चैप्टर यानी अध्याय 5 भी यहाँ समाप्त हो रहा है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।